बाय, फाइनल गुड बाय, आई डोंट हैव एनी मोर, आई एम गोना मिस यू टू, आई एम गोना मिस यू, मैं सबको मिस करूंगी सच में, लेकिन पेपर अच्छे से देना, बहुत अच्छी लोगे देना और पूरा लिख के आना, मत रो पूछू, कोई बात नहीं, आ जाएगी, फेल होके, फेल होके तो तेरी हद क्यों रो रही है। हे गाइस, वेलकम बैक टू नेहा'स व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो अभी बज रहे सुबह के 5:30 और मैं हो चुकी हूँ बिस्तर से उठ के खड़ी, क्योंकि आज है बहुत खास दिन और खास पल। सो आज है हमारे स्कूल का 12th का फेयरवेल और जो मेरे दिल के बहुत करीब है, तो आज इतना खास दिन है तो कैप्चर करना तो बनता है। सो आई थॉट आज मुझे ब्लॉग शूट करना चाहिए, ऑफ कोर्स करना चाहिए। सो मैं उठ चुकी हूँ 5:30 और मैंने बस पानी लगाना है, नहाना है, नेल पेंट रिमूव करना है। आई नो फेयरवेल उनका है, बट मैं सुपर एक्साइटेड हूँ। तो लेट्स सी क्या होता है, क्या नहीं होता है, सब दिखाऊंगी और सबसे मिलाऊंगी। थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे नहाने के बाद, बने रहिएगा ब्लॉग में। चलिए, सो हे गाइस, मैंने लिया है नहा, मेरी पूजा पाठ सब कुछ हो गई है, आई एम ऑलमोस्ट डन, और नेल पेंट रिमूव मैंने कर चुका है, अभी मैं जस्ट नेल पेंट लगाऊंगी। सो मैं तैयार होंगी थोड़ी देर में, और मैंने आज हेयर वॉश नहीं किया क्योंकि मैंने कल शाम को ही नहाया था, कल ही मैंने हेयर वॉश किया है। और जब मेरा कोई खास या स्पेशल दिन होता है तो मैं मेक श्योर करती हूँ मैं उससे एक दिन पहले ही बाल हेयर वॉश कर लूँ, ताकि वो बहुत अच्छे से स्मूथ लगते हैं और मेरे हेयर अच्छे लग रहे हैं आई गेस। तो क्या कहते हैं, मैं तैयार होने जाऊँगी थोड़ी देर में, तो मैंने सोचा कि उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि आज मैं क्या पहनने वाली हूँ, क्या है मेरा लुक और क्या है मेरा गेटअप। सो आपको चलिए, तो आप देख सकते हैं मैं पहनने वाली हूँ ये ब्यूटीफुल सी ऑर्गेंजा साड़ी जो मैंने कपड़े से बनवाई है। इसमें मैंने पीको और फॉल लगा के इतना मतलब वो बनाया है, साड़ी जैसी बनाई है आप देख सकते हैं। और इसका ब्लाउज मैंने बहुत सिंपल रखा है, इसका मैंने वी कलर रखा है और फुल स्लीव्स रखी है। मैंने सोचा ठंड गर्म दोनों है तो फुल स्लीव्स ठीक रहेगा और अच्छा भी लगेगा लुक, तो मैंने सोचा मुझ पर शूट करेगा। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसी लगी है मेरी साड़ी, और पूरा गेटअप मैं आपको थोड़ा सा रेडी होने के बाद दिखाऊंगी, पूरा अच्छे से लुक दिखाऊंगी। तो बने रहिएगा व्लॉग में, प्यार दिखाती रहिएगा, मिलती हूँ थोड़ी देर में, बाय। हे गाइस, सो फाइनली मैंने अपनी साड़ी पहन ली है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने साड़ी पहन ली है, पीछे भी देख सकते हैं यहाँ पे पुच्चू डार्लिंग भी आ चुकी है हमारे साथ। तो अब ये तैयार हो रही है, फिर मैं इसका लुक दिखाऊंगी और अपना पूरा लुक थोड़ी देर में दिखाऊंगी, मेकअप करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं पूजा का फुल लुक, ये कैसे हो आप, कितने दिनों बाद। हेलो हेलो, अच्छा यार, सब ऑलरेडी मिस कर दूं तो वैसे ही, हाँ कितने दिनों बाद देखा मैं, कितने आप देख सकते हैं यहाँ पे डांस की प्रैक्टिस होने लग गए ये लड़कियाँ। आप मिस फ्रेशर बनने की खुशी में पूछू तो ज्यादा ही, आप मिस फ्रेशर बनती है पूजा चंद्रजवार। आप कैसी लग रही है, अरे 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 आप तो ढा रही है मैडम, बहुत अच्छा, मुझे भी देना है प्लीज फोटो खिंचाने के लिए। तो गाइस आप देखते हैं मल्लिया जी फ्रॉम पॉड यहाँ पे पहुंच चुके हैं, कितनी अच्छी लग रही है इसमें, पहली बार साड़ी में ऐसे ट्रेडिशनल कपड़ों में देख रही, बहुत खूब फ्लैट। आई गॉट यू। हेलो हेलो हेलो, कैसा लग रहा है लास्ट दिन है तुम्हारा, अच्छा बोल, अच्छा बोलना प्लीज, कितना अच्छा बोलना, अच्छा कितना नहीं बोलना, अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, ये देखो ना 90s की हीरोइन बन के आई है वो। टू किस, तूने से किस कैसे किया, डोंट टच माय, गाइस यही होता है, ये होता है लड़कियों
हॉल में तो प्रोग्राम देख के आते, डेकोरेशन देख के आते, चल चल हमने पता है। सो गाइस मैं हॉल दिखाती हूँ, हॉल का डेकोरेशन दिखाती हूँ। ओ वाओ, ओ हेलो हेलो, मैं भूल गई थी ये भी बैठे। जीते रहो जीते रहो, मैं देख तो आप देख सकते हैं। हेलो हेलो, मिस प्रशा बात को तो सकते हैं। डेकोरेशन दिखा देती हूँ, यहाँ पे तैयारी चल रही है, यहाँ पे फेयरवेल स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे सबके लिए गिफ्ट रेडी हो, यहाँ पे सारे सबके लिए गिफ्ट। ये क्या है? अच्छा, छोटे छोटे पैकेज सबके लिए रेडी हो चुके हैं और यहाँ पे सबके लिए टाइटल्स भी आ चुके हैं, यहाँ पे सबके लिए वो भी आ चुके हैं, टाइटल्स भी आ चुके हैं, बेस्ट सिंगर, बेस्ट, ओ वाओ। और यहाँ पे पेन भी मिलने वाला है लास्ट में जाने टाइम, उसकी तैयारी हो रही है। अरे वाह, नमस्ते नमस्ते। और यहाँ पे टीके की तैयारी हो रही है, तो गाइस आप देख सकते हैं ये तैयारी। और यहाँ पे बच्चे बेचारों इंजॉय कर रहे हैं, इंजॉय। चलो ओके, तुम 12 पास होनी चाहिए, मारने वाली हो लास्ट टाइम, क्या बोलोगी? दो सब किसी की, मेरे को पता है मैं पास होना मेरा मुश्किल है। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, ये जबरदस्ती खींचिए, बच्चों मेरी याद आएगी नहीं आएगी, खाली जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती फेल हो जाएगी। ये गाइस आपने पूरे ब्लॉग में नोटिस किया होगा, चुम्मा ही देती रहती है हर किसी को। स्कूल से जा रही हो तो कैसा लग रहा है? मतलब स्कूल के बारे में, किसी टीचर के बारे में, अपनी पूजा मैम के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। मैं पूजा मैम को मिस करूंगी सबसे ज्यादा। और पूजा मैम को, मैं भी कमला मैम के पास मिस करूंगी, सिर्फ हमारी फेवरेट टीचर है वो, हमेशा हमारी, सिर्फ ओनली नहीं स्कूल को मैं मिस करूंगी, लेकिन अपनी पूजा मैम को जरूर मिस करूंगी। ये ब्लॉग मैम से बोलूंगी, मैम को मेरे को आज एक किस करनी है प्लीज। देख सकते हैं इधर, दाई 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 दाई, इसको पागल है यार, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। दोस्तों गाइस मैं आपको अपना पूरा लुक दिखाना भूल गई, कि मेरा पूरा लुक एक्चुअल में ये है, देखिए मैं चश्मा कोई चोर के ले गया था ना, तो आप गाइस देख सकते हैं हम लोग ऑल फुल सेट टू गो। अब यहाँ पे दिखा, ये देखिए यहाँ पे फैशन का है ये जल, बनाम बनाम, जीते रहो जीते रहो जीते रहो जीते रहो जीते रहो जीते, अस्सलाम वालेकुम, सब खैरियत से? बढ़िया बढ़िया, बहुत प्यारे लग रहे हैं, जितना के कपड़े, कितनी खुशी हो रही है, 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 बहुत अच्छी लग रही है, सिंपल पॉप अच्छी लग रही है। ये भी है कुछ स्टेल्थीज मेरे स्टूडेंट, थोड़ी तैयार कर देना प्लीज। तो से जा रहे हो तो तुम्हें कैसा फील हो रहा है? तो तुम क्या चीज एक मिस करोगे इधर? एक चीज क्या मिस करोगे इस स्कूल में? नजारे, ये नजारे मिस करेगी और आप क्या मिस करेंगे? ये कुछ भी नहीं करेगी, ये मैं भी यही मिस करूंगी इन 12th के जाने के बाद। मेरे को लग रहा है मैं बहुत अकेले होने वाली हूँ करके। अरे सबसे मेन सदस्य, अरे यस यू मैम, नमस्ते मैम नमस्ते मैम, ये यहाँ पे शुरू हो गई यार, कितनी गंदी है यार। मैम एक चलो, एक मिसरा बॉक्स, एक रैप मैम, एक बॉक्स, हेलो चलो एक बॉक्स मैम का, एक फैशन बॉक्स मैम का, मेरा हर ब्लॉग में आता है, इसमें भी आएगा। अच्छा जलवा वाला चलो। बाहर पे खड़े हैं सब, थैंक यू, ओ माय गॉड, चल बेटा। गाइस देख कितना सुंदर टियारा, और ये कहां से लेके आई तू? मैंने बनाया है वो, इतना तगड़ा, कितना ऐसा मोटा बनाया, देख तू कितना अच्छा लग रहा, थैंक यू। अब मैं लग रही हूं प्रिंसेस। अच्छा मैंने कपड़ा स्टार्ट कर दिया है, तुम्हें मेरे व्लॉग में नहीं आना चाहते ना, कोई बात ही, सीधे बोल दिया करो ना।
सीधी बोल दिया करना। तो गाइस ये भी साइंस साइड की लड़की है, जिससे एक ही लड़की जिससे मैं बात करती हूँ आई गेस साइंस में। हाँ मैं एक ही को जानती हूँ, उसको मैं पूछो मेरी कॉन्टेक्ट में है। तो मैं ये भी है, तो ये तो डिम्पी मैडम को कैसे भूल गई, कैसे आई तू वीडियो में आएगा ना, तुम वीडियो में आएगा। थैंक यू थैंक यू। चलो तुम भी 12th पास हो रहे हो, इस स्कूल में सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या मिस करोगे? चलो बताओ, पढ़ गई है, चलो बताओ। बच्चों क्या मिस करेगी तू, क्या मिस कर, क्या टीचर्स की डांट मिस करेगी? चलो फिर, चलो फिर मैं सबसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। तुम 12th पास होने वाले हो, सबसे ज्यादा चीज क्या मिस करोगे इस स्कूल की, या कोई भी किसी, नहीं ऑनेस्ट ओपिनियन, ऑनेस्ट ओपिनियन। सबने ऐसा बोला है ना, क्योंकि मैमो की डांट, तुम बताओ। तुम क्लास में बंक मारना, तुम हाँ, फिर तुम टिफिन खाना, तुम अपने दोस्तों को मिस करना, तुम मजाक करना, तुम तुम गाना वाना गाना, ये तो बहुत अच्छा गाना गाती है, ये तो सिंगर ही है। चलो बताओ इस स्कूल अभी 12th से सबसे ज्यादा क्या मिस करोगे इस स्कूल की? फ्रेंड्स और खास फ्रेंड्स, तुम क्या, और वो पीछे फ्रेंड्स को मिस करूंगी। मेरे ब्लॉग तो आते रहेंगे, देखते रहना, भूलना सब्सक्राइब किया नहीं किया? गुड क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ठीक है। पास आउट होने के बाद सबसे ज्यादा क्या मिस करोगी? सबसे फन किया वो मिस। और तुम क्या मिस करोगी? स्कूल मिस करोगी? तुम क्या मिस करोगी? फ्रेंड्स को मिस करोगे तुम, क्या स्कूल वालों को? तुम है कोई अच्छा आपसे नहीं पूछा, चलो बताओ भी आप किसको मिस करोगे सबसे ज्यादा? ट्रू, ये सही बोला, पंगों को बात मिस करेगी। अभी और फिर ओपिनियन लेके आती हूँ, हमारे स्कूल की तीन ब्यूटीज आ रही है, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी खूबसूरत खूबसूरत है मैम, नमस्ते मैम, कितनी अच्छी लग रही हो मैम आप लोग, कितनी कितनी मैम कितनी साड़ियाँ कितनी सुंदर लग रही है, पीछे से क्यों आ जाती होगी हमेशा? ये हम आ गई, कौन आ गई? ये हमारी मैम, आप कहाँ के हो? धारचूला, धारचूला की मॉडल, ये धारचूला की भिखारी, धारचूला की भिखारी। स्कूल की सबसे सिंसियर टीचर्स, सबसे सिंसियर टीचर्स। ये हर किसी की क्यों पूछ जाती है? ये हमारे स्कूल की गौती मैम है, ये हमारी स्कूल की तिवारी मैम है, क्या है? चलो तो गाइस यहाँ पे हो रही है टीका सेरेमनी सब वेलकम के लिए। अब सब लोग टीका लगाने के बाद अंदर को जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं टीका लगा, इसने पहली बार टीका लगाया गाइस, ये देखो अच्छा ठीक है, ये भी टीका लगा रही है इसकी वीडियो में। हाँ ये धमकी भी दे रही है, मेरे लिए भी रखना सीट, मेरे लिए भी रखना सीट, मेरा भी। सो गाइस अब यहां हम लोग आ गए, आ कर फॉलो, आई वांट समथिंग, यहाँ पे समोसे कोल्ड ड्रिंक बिक रही है, सबसे छोटी मैं हूँ, थैंक यू सो मच। मैं कोल्ड ड्रिंक, मुझे भी दो, मुझे भी दो, आप क्या पी रहे हो? मुझे भी दो, मुझे भी दो। नाम बताओ पहले अपना, नहीं मैं अंदर नहीं जाऊँगी, पहले नाम बताओ, मैं पहले नाम बताओ, पहले नाम बताओ, नाम बताओ जल्दी, मजे हो रखे हैं इसके हैं, है हमारा जूस पी रहे हो तुम, हमारा जूस पी रहे हो, क्यों पी रहे हो? क्यों अपने घर जाओ, अपने घर जाओ, अपने घर जाओ, अपने घर जाओ, हमारी जूस क्यों पी रहे हो? अपने घर जाओ, अपने घर जाओ, सीधे नहीं अपने घर जाओ। तो गाइस मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे बच्चों को मिल रहा है, ओ माय गॉड, कोल्ड ड्रिंक, और यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक की नदी बही है, और यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक, और यहाँ पे समोसे बिस्किट नमकीन है, यहाँ पे बांटने वाले भी है। मैं हमेशा कुछ ना कुछ चोर के खाती हूँ, बट मैं आज नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरा पेट भरा है, मेरा पेट भरा है, क्योंकि मैं खाऊंगी नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है।
बेस्ट डांसर मान के खड़ा है, बेस्ट सिंगर है निशा। इसकी इच्छा पूरी हो गई, पूजा मैम के दिल से हाथ से दे दी। सिमरन की लगेगी अब क्लास। मुझे कब दिया भाई तूने? मैंने दिया नहीं अभी आपको। कितनी झूठी है ना, मुझे कब दिया? अब मैं अकेले अकेले नहीं खा रही, अभी मेरे साथ कर। ये तो हर चीज सिमरन तू इतनी बद पीछे से हटो बदतमीज। इसने आज कोई लड़की नहीं छोड़ी होगी पुच्ची चुम्मा देते हुए। अरे हां ये हमारे भाई मेरे साथ बहुत हरकतें करती है। हरकतें करती है ना। बाय बाय, गुड बाय, बाय बाय, हम जा रहे हैं। पेपर अच्छे से देना, गुड लक, बहुत अच्छे से पेपर देना, ठीक है? और मुझसे मिलने आते रहना प्लीज, मुझसे कॉल कर दिया। हाँ मुझे रोना हो जाएगा, मुझसे मिलने आते रहना प्लीज, ठीक है? I'm gonna miss you। नहीं यार मुझे रोना आ जाएगा। ओके बाय बाय, अच्छे से करना, ठीक है? अच्छे से पेपर देना। बाय बाय, फाइनल गुड बाय। आई डोंट हैव एनी मोर, आई एम गोना मिस यू टू। मैं सबको भी करूंगी सच में, लेकिन पेपर अच्छे से देना, बहुत चिल होके देना और पूरा लिख के आना, ये मैं सोचना। पर मैं नहीं चाहती तुम मेरे पास वापिस आओ प्लीज। हाँ ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ, पेपर अच्छे से देना, गुड लक, बहुत अच्छे से, आई एम गोना मिस यू, मेरे से मिलते आते रहना, मैं अकेली पढ़ जाऊंगी क्योंकि, ठीक है? मेकअप खराब हो जाएगा मैम। ए सिमरन नहीं यार, ला के छोड़ा का और लास्ट में, क्यों कर रही चिंता, हम लोग यही है। ओ जा लो ले लो, मेकअप खराब करवा दिया मेरा, मुझे खुद की चिंता लग रही है। अच्छा समझ गए, क्या देख रहे हो, सच्चा इमोशनल हूं मैं, यू मिस इट ब्रो। मैं इस तरह जान में जाके रो रही हूं, दिखाओ क्या दिखाना पड़ेगा। मत रो पूछू, कोई बात नहीं, आ जाएगी फेल होके, फेल होके तो तेरी हद क्यों रो रही है। ओके पेपर अच्छे से देना, चलो चलो, ओके बाय, खुश रहो खुश रहो, बाय बाय, खुश रहो खुश रहो। मेरा पेपर है, सबका पेपर है, हिंदी से भूल जाती मैं, फिर मुझे याद दिला दे कि मेरा पेपर है। ये बोर्ड का पेपर देने जा रही, परसों का पेपर है, पेपर पता भी नहीं है कैसे लिखते हैं भाई। लिखना छोड़ के कुछ मत आना, बस इतना समझ लो वरना फेल हो जाओगे, और यहाँ फेल मतलब। I'll miss you. गाड़ी सुन सुन के रोने से नहीं चलेगा, कितनी देर मत करना, तुम दोनों मिलोगे, मैं नहीं मिलूंगी, मैं क्या मिलूंगी, मैं भी तो जा रही हूँ। कहाँ जा रही है? मैं फॉरेन जा रही हूँ। मैं भी कहाँ जा रही हूँ? मैं फॉरेन जा रही हूँ, दोस्ती की फॉरेन जाने की खुशी में रो रहे। फस यार फस। सो गाइस, आज का दिन यहीं पे फिनिश होता है, और बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत इमोशनल था। सो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मैं ज़्यादा घर तक नहीं लेके जाती हूँ। सो आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग, इफ़ यू लाइक दिस ब्लॉग डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।